बहस सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा के अस्पतालों की लापरवाही जिस तरह से सामने आ रही थी, आईसीयू बंद, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऐसे तमाम बहाने करके मरीजों की भर्ती नहीं किया जा रहा था, मगर जिसके बाद मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने एक आडियो जारी कर अस्पतालों को चेतावनी दी और उसके बाद आज कमिश्नर से भी मुलाकात की और अस्पतालों को चालू करने की मांग की, नहीं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद मनपा के अधिकारी, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर, डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने मुमरा के अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में कादर पैलेस स्थित यूनिवर्सल अस्पताल को सील भी किया, साथ ही बिलाल अस्पताल, प्राइम क्रिटिकल केयर अस्पताल का भी दौरा किया और चेतावनी दी कि अगर बेड खाली होने के बावजूद भी मरीजों की भर्ती नहीं हुई या और किसी अन्य बहाने से मरीजों को भर्ती नहीं किया गया तो अस्पतालों को सील कर गुनाह दाखिल किया जाएगा। यही कदम काश अगर मनपा पहले उठाई होती तो जिन अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए लोगों की जान चली गई है, शायद इन्हीं अस्पतालों में इलाज होने से आज वो जिंदा होते। मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। माननीय कमिश्नर साहब, सिग्नल साहब, माननीय मंत्री महोदय आवाज साहब ने हमको आदेश दिया था कि ऐसे पब्लिक के साथ जो नाइंसाफी करे, ऐसे हॉस्पिटल का दौरा किया जाए, उनको सील किया जाए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। लेकिन आज इसके लिए हमने दौरा किया, गोसावी साहब ने और मैंने, तो अभी बिलाल हॉस्पिटल में यहाँ पेशेंट फुल है, मुश्किल से एक दो बेड खाली है। प्राइम में जाने का है मुझे, यूनिवर्सल का कुछ हिस्सा सील किया हमने, जो पेशेंट थे वहाँ का हिस्सा छोड़ दिया है। लेकिन एक इंसानियत के नाते फिर माननीय कमिश्नर साहब और इन्होंने बोला कि इनको एक चेतावनी दी जाए कि अगर इसके बाद दोबारा ऐसा कुछ इन्होंने किया पब्लिक के साथ नाइंसाफी, तो इनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट और जितने सारे एक्ट है जिसमें 304 है, किसी की जान जाने के जिम्मेदार ये रहेंगे, वो भी हम लगाएंगे और बाकायदा वो FIR मेरे नाम से किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। आज हमने दौरा किया है यहाँ, अभी तो बेड फुल है लेकिन कल हम इनको नोटिस लगाने वाले हैं। और मैं सभी मुमरा के डॉक्टर लोगों को और हॉस्पिटल को चेतावनी देता हूँ कि अगर किसी पब्लिक के साथ या गरीब के साथ ऐसी कोई पैसे की वजह से या बेड का नाम बता के कोई नाइंसाफी की जाएगी तो उसके ऊपर कानून से कड़ी सजा दी जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे मेरे अधिकार मालूम है, मैं मेरे अधिकार में वो हॉस्पिटल सील कर दूंगा, कमिश्नर साहब को बोल के। मनपा की इस चेतावनी के बाद क्या इन अस्पतालों में सुधार होगा? क्या ये अस्पताल अब मरीजों की भर्ती लेंगे? क्या ये चेतावनी अब रंग लाती है? ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।